फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी डॉट कॉम, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। आज जो हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखो, पहले तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमारा ऐसा इंटरेस्ट होता है, मतलब ब्याज, ऐसा ब्याज होता है जो ओनली मूलधन पर अप्लाई होता है, या इंटरेस्ट ओनली ऑन प्रिंसिपल। इस इंटरेस्ट को केवल प्रिंसिपल पर ही अप्लाई किया जाता है। प्रिंसिपल, मान लीजिए जो भी पैसा आप उधार या उधार लेते हैं या देते हैं, बोरो या लैंड, जो भी पैसा आप देते हैं या लेते हैं, उस पैसे पर ओनली ये इंटरेस्ट अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज़ आपने दिए, उस पर आपका 500 रुपये ब्याज बना। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, कुछ भी हम रेंडमली बोल रहे हैं। तो मान लीजिए पर ईयर आपका 500 रुपये ब्याज बनता है, तो अब नेक्स्ट वन ईयर के लिए 500 बना, अब दूसरे साल के लिए भी 500 बने हुआ, तीसरा साल भी 500 ही इंटरेस्ट बने हुआ, चौथा साल भी 500 ही इंटरेस्ट बने हुआ। मतलब समझिए कि आपको ये इंटरेस्ट बनता जा रहा है, इंटरेस्ट बनता जा रहा है। इंटरेस्ट से इसको अगले जो भी नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बनता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओनली जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो केवल इस प्रिंसिपल वैल्यू पर बन रहा है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर आपका इंटरेस्ट बन रहा है। तो ऐसा इंटरेस्ट जब बने तो उस इंटरेस्ट को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो चलिए हम साधारण ब्याज में हमारे सवालों पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूरा ये साधारण ब्याज है वो फॉर्मूला वाइज नहीं पढ़ाया था आपको, मैंने वैल्यू सिस्टम से साधारण ब्याज पढ़ाया था। मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने वैल्यू सिस्टम का नाम सुना होगा। तो हमने जो आपको वीडियोस हमारे पेनड्राइव में दिए थे उसको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, किस तरह से आपको वैल्यू सिस्टम साधारण ब्याज में दिए हुए सवालों पर अप्लाई होता है। और मुझे इन जितने भी इन सवाल है, मतलब साधारण ब्याज के जो सवाल है, उसमें हमें वी डोंट नीड इवन द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको बिना फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट को वैल्यू सिस्टम से बताया था, तो वो आप मेरे वीडियोस सारे देखो जो मैंने आपको पेन ड्राइव में दिए थे। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100, SI = PRT/100, जिसमें P जो है वो प्रिंसिपल है, R जो है वो रेट है, T जो है वो टाइम है, और 100 जो है वो इसलिए है कि आपका रेट जो है वो परसेंटेज में दी जाती है। तो परसेंटेज को यदि सॉल्व करोगे तो बटे 100 बैठता है, इस तरह आपका साधारण ब्याज आ जाता है। यदि ये साधारण ब्याज अपना प्रिंसिपल में ऐड हो जाए, मतलब मान लीजिए साधारण ब्याज आप प्रिंसिपल में जोड़ दे दो, तो आपका ये बन जाता है अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्रधन, जो पैसा आप ब्याज सहित लौटाते हैं। मान लीजिए अभी आपने 10,000 रुपये लिए थे, अब ब्याज बन रहा है, मान लो 2-3 सालों में जो ब्याज बना वो 2,000 रुपये बना, तो अब आपको 10,000 प्लस 2,000 मतलब 12,000 रुपये लौटाने हैं। तो वो 12,000 जो है वो है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट मिश्रधन जो होता है वो साधारण ब्याज प्लस मूलधन होता है, और साधारण ब्याज जो होता है वो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। तो ये हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब लेट्स स्टार्ट द साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस वाया वैल्यू सिस्टम। देखो, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5,900 रुपए इन 3 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। ये ऐसे बता रहे हैं आपसे, ये आप बोल रहे हैं कि कोई धनराशि, अ सम ऑफ मनी, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5,900 मतलब मिश्रधन में बदल जाती है 5,900 रुपए। मतलब इसमें आपको प्रिंसिपल भी है और आपका साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। इन 3 years 3 साल में यदि उस पर रेट जो है वो 6% हो साधारण ब्याज पर एनम, मतलब हर साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% दिया हुआ है। तो आपसे सम पूछा है, वो आपसे वैल्यू पूछी है, वो प्रिंसिपल अमाउंट पूछी है, मतलब जिसमें साधारण ब्याज नहीं जुड़ा हो वह वैल्यू चाहिए हमें। तो लेट्स हैव, यदि आप इस सवाल पर ये
एक्स मेथड से तो बहुत लेंदी होने वाला है। हमारा वैल्यू सिस्टम पे आते हैं। वैल्यू सिस्टम में आप, मैंने बताया था ये लाइनें बनाई हैं आप, इन लाइनों में आप पी यहाँ पर भरेंगे, ये आप आर है, ये टी है, ये एस आई है और ये ए है। आप देखो मोस्टली आपको हमेशा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100 मानना है, रेट आपका 6% दिया हुआ है, टाइम आपका 3 साल दिया हुआ है। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाता है साधारण ब्याज ऐसा ही, वो बना 18। अब अमाउंट जो है वो देखो, अभी अभी मैंने आपको बताया जब प्रिंसिपल में साधारण ब्याज, प्रिंसिपल में जब सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो अमाउंट बन जाएगा, तो प्रिंसिपल तो 100 है और साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट 18 है, तो ये बन गया 118। तो आपका अमाउंट जो बना वो बना 118। इस तरह से ये हमारे पास वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास है। अब वैल्यू सिस्टम में अप्लाई करो, ये सवाल ऐसे बोल रहा है 6% पे 3 साल में जो मिश्रधन बन जाता है वो 5900 बनता है, तो 5900 ये बता रहा है ये बनता है, तो 5900 तो ये असली बता रहा है भाई, रियल वैल्यू है हमारे पास 5900। हमारे हिसाब से तो मिश्रधन जो बनता है वो 118 ही बन रहा है, तो 5900 का वैल्यू क्या हुआ 118, तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू जो आपने मानी है वो 100 रुपीज़ है, दैट्स इट। ये 118 से 590 जो जा रहा है वो पूरा 5 बार जा रहा है और ये जीरो। देखो किस तरह से ये 5 से मल्टीप्लाई और 18 5 90, तो ये 5 बार पूरा चला गया और ये जीरो बचा, तो 100 × 50 ये हो गया अपना 5000 रुपीज़। तो 5000 रुपीज़ जो है हमारा आंसर बना, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो हमारी 5000 रुपये है। इस 5000 रुपये पे 900 रुपये ब्याज बन रहा है क्योंकि 5900 हमें मिश्रधन दिया हुआ है। सारी चीज़ें इस तरह से ये मोल्ड हैं। अब मैंने आपको बिना कोई फॉर्मूला ये पूरा सिस्टम समझा दिया जिसमें हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ओनली वैल्यू सिस्टम आप अप्लाई करो, जो मैंने आपको अपने सारे वीडियोज़ में बताए हैं, उन वीडियोज़ को आप देखो, हमारी पेन ड्राइव में जो भी हमने आपको पेन ड्राइव दी है उस पेन ड्राइव को आप डिटेल में बात करिए। देखो मैंने आपको पूरा डीपली ये समझाया था, उस चीज़ को आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये समझ में आने वाला है, तो उसके आधार पर ये पूरी टेबल अपने को समझ में आ जाएगी। तो उन वीडियोस को आप देखो और इस बेस्ड वैल्यू सिस्टम से डायरेक्टली हमारे पास ये आंसर बन जाए। चलिए और सवालों पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 8880 रुपीज़ लेस देन टू द सम ऑफ मनी एट 9% इंटरेस्ट रेट पर एनम फॉर 7 ईयर्स, फाइंड द सम। ये बता रहे हैं कि 9% साधारण ब्याज दर पर 7 साल में जो इंटरेस्ट बनता है या जो साधारण ब्याज बनता है वो हमारे मूलधन से, टू द सम ऑफ मनी, वो हमारे मूलधन से 8880 रुपये लेस होता है। ना तो मूलधन दिया है, ना साधारण ब्याज दिया है, ना अमाउंट दिया है, लेस होता है। तो अब पूछ रहा है फाइंड द सम, तो आपको वह प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। देखो हमारे को इस सवाल में कुछ नहीं दिया है, इस सवाल में जो दिया है वो दिया है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू से 8880 रुपये लेस होता है, तो आपको सिंपल वो बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए तो हमारे वैल्यू सिस्टम पे चलते हैं। प्रिंसिपल मान लीजिए आपका आर है, ये आपका टी है, ये आपका एस आई है और ये आपका ए है। ये हो गया 100, ये आपका आर 9% दिया है, 7 ईयर्स आपका टाइम दिया है, 7963, तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज। अब देखो अमाउंट वैसे हमें नीड नहीं है, जो सवाल में पूछा नहीं है तो रहने दीजिए। यदि आप अपनी नॉलेज के लिए बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारा अमाउंट है वो 163 हुआ। अब देखो सवाल पे चलते हैं, तो सवाल बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सर्टेन सम पर 8880 रुपये लेस है टू द सम ऑफ मनी। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 63 रुपये है और हमारा सम ऑफ मनी 100 रुपये है, तो देखो ये इससे कितना लेस आ रहा है, 37 रुपये लेस आ रहा है भाई, ये इससे 37 रुपये लेस आ रहा है। और सवाल बोल रहा है ये इससे 8880 रुपये लेस है, सवाल बोल रहा है ये 8880 रुपये लेस है आपका सिंपल इंटरेस्ट, हम बोल रहे हैं ये इससे केवल 37 रुपये लेस है। तो ये वैल्यू सिस्टम आ जाइए, तो वैल्यू सिस्टम के आधार पर ये जो है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वैल्यू का डिफरेंस है,
तो हमारे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस तो 37 रुपये ही आ रहा है। तो वैल्यू सिस्टम ओरिजिनल अपॉन आर, तो अब पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ मनी। तो सम ऑफ मनी देखो आप ध्यान से, तो आपने 100 रुपये माने हैं, तो मान लीजिए ये लीजिए 100 रुपये, फाइंड आउट करिए। अब 37 जो है वो ऐसा प्राइम नंबर है जिससे अब इसको मल्टीप्लाई करना ये फटता नहीं है। अब आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखो 37 जो है इससे पूरा पूरा कैसे जाया हुआ, तो 37 से कोई भी नंबर जब पूरा होता है यदि उस नंबर में 3 से डिवाइड होए, जैसे 37 से 24 गुणा हो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 24 8 बार डिवाइड हो रहा है, तो इस वक्त गुणनफल होगा 37 इंटू 24 क्या होगा 888, 3 टाइम्स उतार दीजिए आप। सीधी सी बात है, 37 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो यदि उस नंबर में 3 से डिवाइड करो, यदि वो 3 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो जितनी बार डिवाइड हो रहा है मतलब 8 बार हो रहा है उसको 3 बार उतार दो, यही आपका आंसर है। तो अब यहाँ पर है 888 और यहाँ 37 है, तो 37 से कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा, ये जाएगा 24 बार। क्यों? क्योंकि 37 को फिर 24 से गुणा करोगे तो 888 आ रहा है, तो इस तरह ये 24 बार हो गया, 24 इंटू 0 हो गया 240 इंटू 200, तो ये हो गया आपका 24,000 रुपये। हमारा क्या बना? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हमारा 24,000 रुपये बना। इस तरह से ये आपको आंसर दिया जाता है। तो इस सवालों में हमें, हमने देखा कोई वैल्यू हमें किसी भी फॉर्मूले की हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वैल्यू सिस्टम से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप वैल्यू सिस्टम में थोड़ा अपना परफेक्शन धीरे धीरे बनाते जा रहे हैं तो और सवालों पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अरुण बोरो सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 8.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड लेंड्स इट टू इमिडिएटली टू द अनादर मैन अनादर पर्सन एट 9.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स हिज प्रॉफिट इन दिस ट्रांजेक्शन इज 150 रुपीज, फाइंड द सम। देखो ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि अरुण ने कुछ धन उधार लिया 8% पर फॉर 2 ईयर्स और उसे इमिडिएटली उधार दे दिया किसी दूसरे पर्सन को 9.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो इस तरह 2 साल में उसका जो प्रॉफिट बना वो प्रॉफिट बना 150 रुपीज, फाइंड द सम। अगर वो अब वही यदि आप वैल्यू सिस्टम पे आते हैं तो बहुत ही इजी सवाल है ये। मान लीजिए जो सम है वो है 100 रुपये, अब ध्यान से समझना, आर है टी है। अब देखो इसने किसी संस्था से 8% पे तो रेट ली पे तो इसने पैसा लिया, तो 8% पे 2 साल में इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा भाई? देखो 8 पे तो 16 हो गया और 0.25 पे आधा हो गया, 0.25 × 2 = 0.50, तो 16.50 जो है इसको पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर। और दूसरा क्या है, इसने इमिडिएटली दूसरे आदमी को दे दिया 9.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और वही 2 साल के लिए इसने पैसा दिया। तो देखो आप ध्यान से, तो यहाँ पर बना 18 और इसका डेढ़, 75.75 × 0.75 कितना हुआ अपना डेढ़, तो 18 और डेढ़ कितना हुआ 19.5 रुपये। तो इस तरह अपने 19.5 रुपये उसे मिले, यहाँ पर इसने दिए। देखो ये तो इसने उधार लिए थे और ये उसने ये तो लिए थे और ये दिए थे, तो यहाँ तो पैसा ये देना पड़ा, ये तो ब्याज इसे देना पड़ रहा है और यहाँ से इसे ब्याज मिल रहा है। तो देखो आप ध्यान से, तो इस ब्याज में इसने 3 रुपये जो है वो प्रॉफिट कमा लिया, ये रहा 3 रुपये का प्रॉफिट ब्याज में। और ये सवाल बोल रहा है इसने 150 रुपया जो है वो 150 रुपया प्रॉफिट में कमाया है, हम बोल रहे हैं 3 रुपया प्रॉफिट में कमाया है, तो 150 जो है उसका वैल्यू क्या आ रहा है 3 रुपया, 150 का वैल्यू 3 रुपये। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल, तो फाइंड द प्रिंसिपल तो 100 है, तो ये हो गया अपना 5 बार और 5 से गया, मतलब ये 5,000 रुपीज जो है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बना। तो इस तरह से हमने इस पूरे सवाल को भी देखो कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का सवाल था, इसे भी वैल्यू सिस्टम से हमने किसी भी फॉर्मूले को यूज़ में नहीं लेते हुए हमने इसको वैल्यू सिस्टम से डायरेक्टली कर दिया, तो आप इसे समझिए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी
is 4/9 of the principal and the number of years numerically 1/4 of rate of percentage per annum. देखो सवाल में बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका जो सम ऑफ मनी है उसका 4/9 है, और दूसरी जो बात बोली है उसने वो बोली है कि जो नंबर ऑफ इयर्स है मतलब जो समय है वो आपका न्यूमेरिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 1/4 है. मतलब मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20 है, ऐसे ही सवाल में हमने मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 20 है तो 1/4 जो हुआ तो 20 का 1/4 हुआ 5, तो 5 जो है वो हमारा समय है. इस आधार पर ये सवाल बना है. अब ये पूछ रहा है फाइंड द रेट, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है. तो जब भी ऐसा सवाल आए तो समझिए ध्यान से, आप देखो 4/9, पहले तो हम ये समझते हैं SI इज 4/9 टू द प्रिंसिपल. तो इसमें जो पहले लिखा हुआ होता है जो ऊपर वाला होता है, जो बाद में लिखा है वो नीचे वाला होता है. मतलब 4 जो है वो तो SI है और 9 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है. इस तरह से 9 हमारा प्रिंसिपल है, 4 हमारा SI है. अब देखो 1/4 है हमारा रेट परसेंटेज ईयर, तो जब भी ऐसा सवाल आए तो 1/4 में आपको इस 1/4 को यहां से मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को इधर भेज देना है. ये हुआ 16 और ये बटे 9 यहां पर बिठा देना है. 16/9 क्या बना, ठीक है. अब इसका लेना है आपको रूट, तो 16/9 का रूट हुआ अपना क्या 4/3, और इस पे लगा देनी है 0, तो ये हो गया 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इस तरह ये सवाल हो जाएगा डायरेक्टली हमारे पास. परंतु ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो ध्यान से समझिए, इसको दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ. इस तरह मैंने ये आपको डायरेक्टली सवाल करा दिया, पहले हम दोबारा इसको स्लो सिस्टम से चल रहे हैं. देखो 4 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, 4 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, 9 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है. मान लीजिए जो रेट है वो आर है, तो समय क्या हुआ अपना R/4 और 100. अब ये 4 से 4 गुना हुआ और ये 100/9 बराबर क्या बना R² 4 4 16, और 100. अब जब R का मान निकालना है तो इन दोनों का रूट लेना पड़ेगा, तो इसका रूट ले लीजिए इन दोनों का. तो ये बना R = 4×10/3 = 40/3, तो 40/3 जो हुआ वो 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बन गया. इस आधार पर ये हमने सवाल कर दिया. भाई आप शॉर्ट में इस सवाल को करना चाहते हैं तो मैंने आपको दोबारा समझाया है किस तरह से ये सवाल होगा. भाई 4 इंटरेस्ट है और 9 प्रिंसिपल है, 1/4 है, तो 1/4 मतलब 4 से इसे गुणा करो 16 और ये 9 इसके नीचे बिठा दो, इस पर रूट लो 4/3 और 0 लगा दो, तो 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया. मैं आपको ये शॉर्ट में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो अभी CGL का नया जो पैटर्न आया है उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन है. देखो आप ध्यान से समझिए, 100 क्वेश्चन का हमारे पास सेट है और हमारे पास 60 मिनट ही दिए हैं. इस 60 मिनट में आप 5 मिनट तो मान लो आपका वेस्ट हो जाता है, 5 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है. अब 5 मिनट तो 55 मिनट अपने पास बचे, 55 मिनट में आपको 4 सब्जेक्ट पे 25-25 सवाल अटेंड करने हैं. तो इसलिए यदि आप ये शॉर्ट वेस्ट से हमारे छोटे वाले सिस्टम से यदि ये सवाल सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली आपको ये सारे सवाल करने में आसानी होगी. अदरवाइज़ तो हमने आपको पूरा सिस्टम भी समझाया है समझने के लिए, और वो रहा छोटा सिस्टम, दोनों आप समझिए ध्यान से. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 1/4 ऑफ द रेट परसेंट पर एनम, फाइंड द रेट. देखो जो ये सवाल बोल रहा है, ये पहले तो ये बोल रहा है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट हमारे सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब हमारे प्रिंसिपल वैल्यू, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू का 4/9 है, 4/9 है. और दूसरी बात इसने जो बोली है कि नंबर ऑफ इयर्स जो है वो हमारे न्यूमेरिकली 1/4 है रेट परसेंट ऑफ पर एनम के, मतलब जो हमारी रेट है उसका 1/4 जो है वो हमारा टाइम है. जैसे मान लीजिए यदि रेट आपका 20% है तो आपको जो टाइम दिया है इसने वो 1/4 ऑफ 20 मतलब 5 हुआ 5 ईयर्स. तो इस तरह सवाल दिया हुआ है. तो देखो ये सवाल हम आपको दो सिस्टम से पढ़ाने वाले हैं. इस सवाल को एक को सिंपल बेसिक सिस्टम से किस तरह से समझने के लिए,
और फास्ट हम इस सवाल को डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो पहले समझिए हम, देखो ये पहले बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका 4 है, 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, तो ये लाइन समझिए पहले तो आप ध्यान से। तो इसमें ऐसे नहीं मानना है प्रिंसिपल 100 है और 4/9 मतलब इस तरह से डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली कैसे सॉल्व होगा, जो भी पहले इसमें टाइप लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है वो ऊपर वाला और जो बाद में लिखा है वो नीचे वाला, मतलब 4 जो है वो ऐसा ही और 9 जो है वो प्रिंसिपल, दैट्स इट। 4 यदि ऐसा ही है तो 9 जो है वो हमारा प्रिंसिपल हुआ, इस तरह पहले तो ये हमें समझना है। अब देखो दूसरी बात जो है वो समझिए, तो देखो आप 4 यदि आपका इंटरेस्ट है, 9 हमारा प्रिंसिपल है, यदि रेट आप आर मानते हैं तो समय जो हुआ वो आपका R/4 हुआ, भाई इसमें बोला है ना न्यूमेरिकली 1/4 ऑफ रेट परसेंट, तो मतलब ये नंबर तो बराबर है, यहाँ जो नंबर है वही यहाँ नंबर है, तो उस नंबर का 1/4 मैंने कर दिया और ये 100/ नीचे बैठता ही है। अब आप देखो तो ये बना R² बराबर 4×4×100/9, अब R जो बने हुआ वो इसमें बने हुआ R बराबर √4×4/100×9, तो ये बने हुआ 4×10/9, मतलब आपको बना 40/9, तो 40/3 जो है वो हमारा बना 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बना हमारा वो बना 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये हमारा बेसिक सिस्टम है इस तरह से। ये हमने आपको PRT बताया था ना, तो इसमें PR और T, तो ये T जो है वो R फॉर्म में ही है, बस R/4 है, तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, जिसमें हमने यहाँ रूट लिया तो यहाँ पर 4 ले लिया, 4 मतलब 16 आया, 4 बना 10 और 9 बना 3, तो ये हो गया 40/3 मतलब 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आया। ये तो है हमारा बड़ा सिस्टम, परंतु जिस तरह से हमारे पास अब जो CGL का पेपर आ रहा है SSC CGL में, तो SSC CGL में हमारे पास सबसे बड़ी बात जो है वो है इस बार 100 क्वेश्चंस है, उन 100 क्वेश्चंस में 60 मिनट है, 60 मिनट ही आपको दिए हैं, जिसमें आप 5 मिनट तो मानिए मत अपनी, 5 मिनट तो आपका टाइम इधर उधर देखने में ही वेस्ट हो जाता है, मतलब 55 मिनट का पेपर है हमारे पास, उस 55 मिनट के पेपर में हमने वो 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और टाइप उसमें राइट लगवाने हैं कंप्यूटर में। तो अब ये सिस्टम यदि आप बार बार यदि ये सिस्टम यूज में लेते हैं, अपना पेपर पूरा नहीं हो पाता है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इमिडिएटली, देखो समझिए आप ध्यान से, 4 आपका प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट है, 9 आपका प्रिंसिपल है, अब 1/4 है ना, ये यहाँ पर रेट जो है वो 1/4 है, टाइम का रेट का 1/4 है, तो इस 4 से इसको गुणा कर दो यहाँ पर, तो ये हुआ 16 और यहाँ 9 बिठा दो बटे में, और इस पे ये हो गया 16/9, अब इसका ले लीजिए रूट, तो इसका रूट हुआ 4/3 और 0 से मल्टीप्लाई 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ 40/3, तो यह हो गया 13.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली। इसी आधार पर ये सवाल होगा, कई बार सवाल में बोलता है ये कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो इक्वल है रेट ऑफ परसेंटेज पे, तो जब इक्वल होगा तो 1/1 मतलब ये तो हटा दो बस 4/9, तब जब इक्वल होगा तो 1/4 का रोल नहीं है, 4/9 2/3 और 20/3, तो 20/3 पे 6 से 2/3 आंसर आ जाएगा। जैसा सिचुएशन बोलता है उस आधार पर आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करें तो आपका ज़्यादा इमिडिएटली फ्रिक्वेंट आंसर अपना बन पाएगा, इस आधार पर आप इस सवाल को सॉल्व करिए। सवाल दिया है हमें, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 4,800 रुपीज इन 5 ईयर्स एंड टू 7,200 रुपीज इन 9 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब वह मूलधन राशि बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है, जो 5 साल में तो 4,800 हो जाती है और 9 साल में 7,200 हो जाती है यदि सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर अप्लाई हो। तो रेट भी नहीं दिया आपको, प्रिंसिपल पूछा है और आपको दो विभिन्न टाइम पर आपको मिश्रधन दिए हुए हैं, और हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझना आप, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एवरी ईयर हर साल का SI सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा बराबर होता है या इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2,000 रुपये है, तो हर साल का इंटरेस्ट जो होगा वो 400 रुपये होगा, जैसे 5 साल का इंटरेस्ट हुआ 2 साल 2,000,
तो 5 साल तो मतलब 400-400 रुपये हर साल बन रहा होगा हर साल, क्योंकि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ओनली मूलधन पर या प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है, तो बराबर होता है हर साल। तो ये बात यदि हमें पता है तो ये सवाल इजीली हो जाएगा। चलिए कैसे चलते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये सवाल ऐसे होगा कि 5 साल में तो कोई धनराशि 4800 बनी और 9 साल में ये बनी 7200, तो इन 4 सालों में इन 4 ईयर्स में जो बढ़ा वो क्या बढ़ा, वो प्रिंसिपल बढ़ा। तो जो प्रिंसिपल बढ़ा वो कितना बढ़ा इन 4 सालों में, भाई ये 4 सालों में देखो आप ध्यान से, तो 4 साल के अंतराल पे ये धनराशि 4800, तो 4 साल में 5 साल में बनी और 9 साल में 7200, मतलब किस वजह से बढ़ी है कि इस पर इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो इंटरेस्ट बनता जा रहा है, तो इन 4 साल में कितना इंटरेस्ट बना, देखो 0 0 और 12 में से 8 गए 4 और 6 में, तो ये 2400 रुपये, 2400 रुपये जो हमारा 4 साल में इस पे ब्याज बना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया 4 साल में ब्याज बना, 4 ईयर्स में ब्याज बना 2400, तो 1 ईयर में कितना ब्याज बने हुआ, तो 1 ईयर में बने हुआ आपका 2400 by 4 मीन्स 600 रुपये। तो 600 रुपये जो हमारा वो 1 ईयर में इंटरेस्ट है, परंतु हम को इंटरेस्ट तो पूछा ही नहीं, इसने पूछा है वो सम बताया, मतलब मूलधन राशि बताया। अब दोबारा हो देखो 5 साल में ये 4800 हो जाती है, तो 5 साल में इस पर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है नहीं भाई, ये तो अमाउंट है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना बना, यदि 8 साल का इंटरेस्ट 600 है तो 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 ईयर का इंटरेस्ट हुआ 600 × 5 मतलब 3000 रुपये, तो 3000 रुपये मतलब इसमें जुड़ा हुआ है भाई, ये अमाउंट है मतलब 3000 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया, प्रिंसिपल वैल्यू आया 4800 में से जब 3000 लेस हो जाता है तो हमारा 1800 रुपये जो बना, 1800 रुपये जो बना वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बनता है। तो इस आधार पर हमने इस सवाल को सॉल्व करा। इस सवाल में सबसे मजबूत चीज़ जो है वो है एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल समा, हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट बनता है वो समान बनता है। तो इस आधार पर ये हमारा सॉल्व हुआ। इस तरह ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।